पंजाब में नए कृषि कानूनों के विरोध के चलते सोमवार से दो दिन का विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले अकाली दल ने ट्रैक्टर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने कहा, पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ पहले के प्रस्ताव को केंद्र को नहीं भेजा है, वे लोग केंद्र के साथ मिलकर फिक्स मैच खेल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी काले कपड़े पहनकर पंजाब सरकार का विरोध किया। आप विधायक हरपाल सिंह चीमा ने कहा, आम आदमी पार्टी इसका खुलासा करेगी कि कैसे पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के साथ कृषि कानूनों पर साठ गांठ की है। रोकी जाते हैं, मैं विधानसभा की चिट्ठी दिखी आ, मैं इन्हों क्या इन्नी तो थोड़ी नौकरी नहीं, 15 साल सानू कदे जान तो इतने रोकया नहीं, कदे पुछया नहीं गया। अज गल किसानी की है तो किसानी के किसान के गड्ढे रोकया जा रहा, तो सरकार की इतों मंशा साफ है। ये कि रफेल है जोड़ा अंदर जाके कुछ करते लगता है, बेचारा जिन्हें अन्नदाता का गड्ढा है इनू रोकी जाते हैं, इतों ही मंशा साफ है। राणा गुरजीत कहें कि अकाली दल चीफ स्टंट कर रहे, कहते अगे ट्रैक्टर से आज अज भी आ जाए। राणा गुरजीत हमने कह के गए, हाँ जी राणा गुरजीत हमने कह के गए ने, जो अगे भी कहते ट्रैक्टर से आज भी आ जाए, चीफ स्टंट है कहते अकाली दल का। तो राणा गुरजीत जी पुछ लियो कोई लिखा कि नहीं आना, राणा गुरजीत जी तो इन्होंने नाल खिलाना चाहिए साढ़े नाल, वो सरकार रल गए हैं। रौला तो कुर्सी का, रौला किसानी का नहीं, ये बिल जोड़ा है एक जिमें एक कला कुर्सियों का रखे ने कांग्रेसी, नहीं तो किसानों के हक से खलून हूँ कुछ समझौता होंगे बैठे है जी, जान देंगे ठीक है, नहीं तो विधानसभा तो पहुंचा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।